दिल्ली में जो 10वीं क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट टर्म का 2021-22, ये 10वीं क्लास का है, इवनिंग शिफ्ट है। इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर की प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये उत्तर हैं जो बिल्कुल सटीक सही हैं, और भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के हम आपको आंसर की इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि जो भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के आप आंसर की पता कर सकें और सही उत्तर आपको पता लग सके, जिससे कि जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन सभी के उत्तर क्या क्या हैं। ये पहला पैसेज आया था इसका, इस पैसेज को आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और इसमें से जो पैसेज का पहला प्रश्न बना है उसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा डी। पहले का सही उत्तर है डी, बोथ ए एंड बी। और जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का सही उत्तर होगा बी। दूसरे का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे का सही उत्तर है सी। चौथा, चौथे का उत्तर होगा बी। पांचवा, पांचवे का उत्तर है आपका बी। छठा प्रश्न है, छठे का उत्तर होगा सी। सातवां, सातवें का होगा आपका डी। आठवां, आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न का सही उत्तर आपका डी। इसके बाद नौवां है, नौवे का सही उत्तर होगा बी। नौवे का सही उत्तर है बी। दसवां, दसवें का होगा सी। 10 के बाद है ग्यारहवा, ग्यारहवा प्रश्न 11 है, इसका सही उत्तर है बी। इसके बाद है 12, 12 का सही उत्तर होगा, एक सेकंड, 12 का सही उत्तर होगा डी। 13, 13 का है सी। इसके बाद 14 प्रश्न है, 14 का है सी। 14 का सी। 15, 15 का सही उत्तर है बी। इसके बाद 16 प्रश्न है, 16 का है ए। इसके बाद 17वां, 17 का सही उत्तर होगा आपका सी। 18, 18 का सही उत्तर है ए। इसके बाद है 19, 19 का सही उत्तर होगा आपका ए। 20, 20 का उत्तर है आपका डी। 21, 21 का उत्तर होगा आपका बी। 22, 22 का उत्तर सी। 23 का उत्तर डी। 24, 24 का उत्तर बी। 25, 25 का उत्तर आपका होगा बी। इसके बाद 26, 26 का उत्तर है सी। 27, 27 का जो उत्तर आएगा वो आएगा ए। 28 का आपका है सी। इसमें जो पेन से टिक लगे हुए हैं, जो जरूरी नहीं है कि ठीक ही हैं, जो हम अभी आपको बता रहे हैं करंट में वो सही उत्तर हैं। 28 का आपका सी हो गया थर्ड। 29, 29 का है सी। 30 का बी। इसके बाद 31, 31 का होगा ए। 32, 32 का बी। 33 का होगा डी।
34 का, बी 35 का, ए 36 का, सी 37 का, 37 का होगा सी, 38 सी, 39 ए, 40 सी, 41 सी, 42 ए, 43 सी, 44 का सही उत्तर है बी, 45 का होगा ऑप्शन ए, 46 का है बी, 47 का होगा सी, 48 का बी, 49 का है ए, 50 है इसके बाद, 50 का सही उत्तर है आपका सी, 51 का है सी, सी है 51 का, 52 का बी, इसके बाद 53 का है सी, 54 का डी, 55 का बी, 56 का होगा डी, 57 का बी, 58 का है बी, 59 का होगा ए, 60 का सी। तो इस पेपर में आपके टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो भविष्य में 10वीं और 12वीं क्लास के जितने भी पेपर होंगे प्री बोर्ड या फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म के, उन सभी के हम आपको आंसर की और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप भविष्य में जितने भी आने वाले पेपर हैं उनमें अच्छा स्कोर कर सकें।